हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड आज संडे है, आज का दिन मैं यूजुअल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट इन द मूड टू व्लॉग एज यूजुअल। एंड कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे और क्या नहीं। एंड अभी आई एम कमिंग अप, वी आर कमिंग अप विथ सम आइडियाज। आज थोड़ा ऐसा एंथुजियाज्म आया है कि कहीं पर जाए, अभी देखते हैं वेयर विल गो। आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विथ इट। अगर आप नए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है आपको आज हम कहाँ जाने वाले कशाला। सो आई एम ऑल रेडी, अभी आई लुक आउट की किधर है बेचारा ना, आई विल ट्राई टू गो विथ हिम। देखते हैं अभी क्या करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ही अनडिसाइडेड है, बट विल ट्राई टू बी आर बेस्ट, नॉट बेस्ट एक्चुअली, विल ट्राई टू शो हाउ द यूजुअल लाइफ, प्लेन लाइफ गोल, दैट्स इट। अभी आई विल कॉल हिम एंड गेट बैक टू यू गाइस। सो फाइनली विशाल आया है और मुझे आके आधा घंटा हो गया। झूठा, मेरे लिए केक लेके आई है। यस, विशाल के लिए मैं केक लेके आई हूँ। कौन सा फ्लेवर है क्या मालूम? रेड वेलवेट चीज़। अरे उधर बैठ के खाते हैं। हाँ, दो स्पून लेके आई मैं मांग के, उधर बैठ के खाएंगे। देखिए तो अभी हम जा रहे हैं दादर में, मतलब ऐसे ही कुछ आज भी ऐसा प्लान नहीं बनाया था, इधर जाना है उधर जाना है, तो किधर नहीं कुछ करो, दादर चल गए, थोड़ा ऐसे ही घूम के आएंगे। ये भूखा इंसान, इसको मैंने बोला था आराम से खाएंगे, लेकिन आराम से अकेला ही खा रहे। तो दादर में आप कभी भी आओगे ना, तो ऐसे आपको भीड़ देखने के लिए मिलती है। लोगों को लगता है यहाँ पे सब सस्ता मिलता है, बट ये रोड पे रहता है, हाँ वो तो रहते हैं थोड़े सस्ते, दुकान में रहते हैं तो नॉर्मल रेट के भी इससे ज़्यादा महंगे रहते हैं। विशाल को अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम लोग अभी होटल में आए हैं, दादर में है ये होटल। वहाँ पर ऑमलेट पाव विशाल ने शायद ऑर्डर किया है, और इस भूखे का मुंह देखो, भूख लगी है। खाने का था सिर्फ ऑमलेट पाव, लेकिन साथ साथ में क्या क्या खा लिया सर? उसके बाद चाय ले लिया बन मस्का, और इसको प्यास लगी थी तो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक। इतना ऐसा करता रहा, मैंने बोली प्लीज मुझे ना प्यास लगी है पेप्सी मंगा, मतलब तो प्यास लगी है ना पानी पी, तो बराबर है ना, प्यास लगी तो पानी पीना चाहिए, पेप्सी कौन पीता है? मैं पीती हूँ। कुछ प्रॉब्लम है? वो ठंडा चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, पी ले पी ले, तेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी। तो अभी हम जा रहे हैं आगे दादर चौपाटी। एक्चुअली यहाँ पे बारिश गिरी है बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम के लिए गिरी, लेकिन सब गीला हो गया। अभी देखते हैं कहाँ जा सकते। ये बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलता है यहाँ पर, एज यू कैन सी दिस वन। एंड मेजर मुझे लगता है कि इधर का फोकस वो सेट सर्कल वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत सारा अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं जो सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं एंड वॉट नॉट, एंड बहुत ज़्यादा लाइवली लगता है वो एरिया मुझे पर्सनली, इसलिए आई लाइक दैट एरिया, लेकिन बाकी भी अच्छा है।
यहाँ पर ना एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है, लाइक यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे स्विंग्स है, स्लाइड्स एंड एवरीथिंग। वो साइड में अंदर भी कुछ तो है, आई रियली डोंट नो सही से, लेकिन इफ़ यू आर कमिंग विद योर किड देन ऑल्सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू कम एंड हैव अ विजिट एट दिस प्लेस। जैसा यू कैन सी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोग आए हुए हैं, इट इज़ वेरी फैमिली फ्रेंडली एंड मस्ट विजिट है अगर दादर में आप आते हो तो। और ये एक नया चीज खुला है दादर में, हो गया जो ना वैसा तो है लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे इधर, लेकिन मोस्टली लोगों को पता नहीं है। ये अपना इधर भी है, अपना चौपड़े में उधर भी है। हाँ उधर भी खुला है, दिस इज द व्यूइंग डेक। और कैसा व्यू दिखता है वो आपको आगे जाके हम लोग बताते हैं। था आज के वीडियो के लिए, अभी हम लोग घर पे आए, उसके बाद थोड़ा मेरा ओवीटी का क्लासेस था उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद थोड़ा खाना खाए और बहुत ज़्यादा फुल हो गया था, और अभी विशाल निकल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लगे क्या शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आता साड़ी भाई।